मुझे लगता है कि ऐसे विद्वान और वरिष्ठ व्यक्ति की चेयरमैनी पे इस पे अच्छे सुझाव आएंगे। जब पहले भी इलेक्शन कमीशन द्वारा 2022 पे चंडीगढ़ में बैठक हुई थी, जननायक जनता पार्टी पहला दल था जिसने इसके प्रति अपना पक्ष दर्शाने का काम किया था। और मैं तो मानता हूँ कि बारी बारी इलेक्शंस, इतनी मशीनरी का उपयोग और थोड़े थोड़े समय में फिर वही चीज़ की रिपीटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन में कॉस्ट कटिंग भी होगी, चाहे वो प्रचार में हो, चाहे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के यूटिलाइजेशन में हो, और देश के अंदर भी स्थायी और स्थिर सरकार हमें देखने। कल आपने गुड़गांव में मेरा बिल मेरा अधिकार मांगा, इसकी क्या विशेषता? एक नई शुरुआत है, तीन प्रदेश, तीन केंद्र शासित प्रदेश, 30 करोड़ के कॉर्पस पूरे देश के लिए उन प्रदेशों में खरीदी गई 200 रुपये से ऊपर की कोई भी चीज़ के लिए स्कीम लाए हैं कि अगर कोई GST पे करता है तो अपना बिल अपने पोर्टल के ऊपर अपलोड कर सकता है, और अपलोड कर वो 10,000 रुपये के 800 प्रतिमा, 1,00,000 रुपये के 10 प्रतिमा और 2 करोड़ रुपये, 1-1 करोड़ रुपये के 2 हर तिमाही में ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से, लॉटरी के माध्यम से सिर्फ टैक्स अदा कर सरकार को बताने के वो लॉटरी में जीत सकता है। मुझे लगता है ये प्रत्येक नागरिक को भी प्रेरित करेगा कि वो टैक्स अदा करे, दुकानदार को भी प्रेरित करेगा कि वो बिल हर नागरिक को समय अनुसार देने का काम करे। और मेरा मानना है कि इससे जो टैक्स का रेवेन्यू है वो और बढ़े। सर, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए विपक्ष कह रहा है कि सही नहीं, क्या लग रहा है? देखिए, उनकी सोच हो सकती है। अब सोच के अंदर मैंने इसका पक्ष आज नहीं, आज से 1.25 साल पहले जब चंडीगढ़ में इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई, पार्टी की तरफ से हमने जब भी रखवाया और आज भी हम इस पक्षधर हैं कि अगर होगा तो इसमें स्टेट वाइज रीजनल पार्टीज को मजबूती मिले। सर, खटखड़ गांव में 750 एकड़ जमीन एक्वायर करने जा रहे हैं, इस बारे में थोड़ा डिटेल क्या होगा? HSIDC के माध्यम से इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए टोल जो खटखड़ का है उसके पास पास हमने ई भूमि पर किसान से रिक्वेस्ट करी है कि अगर वो गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल पार्क के लिए ज़मीन दे तो सरकार सिर्फ यहीं नहीं, 7 लोकेशन हरियाणा में, जिसमें 2 लोकेशंस सोना में है, 3 लोकेशंस रेवाड़ी में है और 2 लोकेशंस जींद के अंदर है, जहाँ इंडस्ट्रियल पार्क के लिए आज से 10 साल पहले कभी एक्विजिशन हुई होगी, ये पहला कदम उठाया था।